हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन तमाम बच्चों के लिए जिनका किसी भी रेगुलर कोर्स के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट किसी भी कोर्स में सेकंड मेरिट लिस्ट के तहत टीपीएस कॉलेज में एडमिशन हो गया। इससे पहले बता दो, एएन कॉलेज में एडमिशन कैसे लेना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें इस डिटेल्ड वीडियो में मैंने बता रखी है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी पड़ा हुआ है। अगर आपको जरूरत है या फिर आपके किसी दोस्त को जरूरत है तो उसे ये वीडियो जरूर रेफर करें। बात करते हैं कि अगर टीपीएस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन सेकंड मेरिट लिस्ट के तहत हो गया है तो आपको वहां जाकर के कैसे एडमिशन लेना है, ऑनलाइन लेना है, ऑफलाइन लेना है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। क्योंकि देखो, टीपीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के दौरान आपको फॉर्म भरना होगा, पेमेंट करना होगा, रिसिप्ट निकालना होगा, डाउनलोड करना होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है और इस प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं करने पर पैसे भी बर्बाद जा सकते हैं और साल भी बर्बाद जाएगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको कैसे पूरा प्रोसेस फॉलो करना है आज की इस वीडियो में हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। इससे पहले बता देता हूँ कि तमाम तरह के अलग अलग कॉलेजेस में फर्स्ट मेरिट लिस्ट और सेकंड मेरिट लिस्ट अलग अलग हिसाब से अलग अलग डेट पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जारी है। तो किस कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, अलग अलग वीडियोस मैंने बना रखी है और आने वाले टाइम में भी और बनाता रहूँगा, जिसको आप देख सकते हो। और अपना कॉलेज अगर आपका कोई उसमें से पढ़ता है तो वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करो। अब बात करते हैं, वापस लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। टीपीएस कॉलेज में आपको एडमिशन प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, इसको आपको पेमेंट कैसे करना है और इसके बाद आपको इसका रिसिप्ट डाउनलोड कैसे करना है, वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, इस सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे गूगल के ऊपर। अब गूगल पे आने के बाद अगर आप टीपीएस कॉलेज सर्च करते हैं तो जो आपको वेबसाइट दिखाया जाएगा गूगल की तरफ से वो ये वाला है। लेकिन इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद जब आपको जिस पेज पे रीडायरेक्ट किया जाएगा, फिलहाल ये टीपीएस कॉलेज की जो वेबसाइट, मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ी सी रिनोवेट हो रही है, दोबारा बदली जा रही है और इसको अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, अच्छा स्टेप है, कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल अब तक इस वेबसाइट पे मुझे एडमिशन का एक भी सेक्शन नहीं दिखा, एडमिशन पोर्टल का सेक्शन दिखा ही नहीं, जो पिछली वेबसाइट पे उपलब्ध था। लेकिन अभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं, मेरे पास एक लिंक पड़ा हुआ है जिस पे मैंने बहुत सारे बच्चों का एडमिशन किया और आप भी वहां से जाके अपना एडमिशन कर सकते हो। चिंता करने की बात नहीं, ये लिंक बिल्कुल जेन्युइन है, कोई खतरे की बात नहीं है। आप जाके पहले चेक कर लो कि लिंक है ठीक या नहीं, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस लेना। ठीक है, तो वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल के थ्रू उस वेबसाइट पर जहां से आपको एडमिशन लेना है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूं। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा। अब थोड़ा सा स्क्रॉल ऑन करके देखोगे तो आपको यहाँ पे तीन चार सेक्शन दिख रहे हैं जिसमें बहुत सारे हटा दिए जाएंगे बाद में, क्योंकि आईसी का एडमिशन का डेट खत्म होने वाला है, आई एडमिशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो ये बाद में हट जाएंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको जो आपका काम का सेक्शन है वो ये वाला है, बीए या बीएससी, दोनों में से आपका जो भी सेक्शन होगा सेकंड मेरिट लिस्ट के तहत अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो इन्हीं दोनों में से आपको क्लिक करना है। फिलहाल मैं बीएससी वाला करके दिखा रहा हूँ आपको। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये पेज कुछ इस प्रकार का दिखता है, जहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाती है एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे आपको वो चीज़ें भरनी पड़ती है जो चीज़ें आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की तरफ से पहले ही प्रदान कर दी गई हैं। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ऑफर लेटर नहीं चेक करना है, कोई इधर उधर आपको जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। सिंपली जो आपका डिटेल था, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इस्तेमाल किया था, वही सारी चीज़ें आपके ईमेल या फिर आपके मैसेज में पड़ी होंगी, वहाँ से निकाल लीजिए और इस्तेमाल करिए। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर सबसे पहले आपको 21G वाला जो आपका नंबर था उस नंबर को उठा करके इस सेक्शन में बता रहा हूँ यहाँ पे भर देना है। उसके बाद इसमें ये इसे बोलते हैं ये रेफरेंस नंबर, यहाँ पे आपको भर देना है। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भरना है जिसकी मदद से आपने इस्तेमाल किया था और डॉक्यूमेंट वगैरह भरा था शुरुआत में, 21 कॉलेजेस जब आपने चुने थे, 300 का पेमेंट किया था, जो वो फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया था वो यहाँ भर देना है। इसके अलावा अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो खैर आपके पास होना संभव नहीं है क्योंकि ये ज़्यादातर उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा, तो खैर इसकी बात ही नहीं करते, वापस लौटते हैं। यहाँ पे आपको उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। दो चीज़ आपने ये वाला सेक्शन भर लिया, उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करिए। वेरीफाई करने के बाद जब कॉलेज वेरीफाई कर लेगा कि आप वही कैंडिडेट हैं जिसने फॉर्म भरा था और वो जो अप्लाई करने आ रहा है सेम है, तो उसके बाद आपको एक नए वेब पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। ये पेज कुछ इस प्रकार का दिखता है। अब यहाँ से शुरुआत होता है मेन फॉर्म को भरने का प्रोसेस। देखो, ध्यान रखना कि ये टीपीएस कॉलेज की जो वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है, मतलब रिस्की। यहाँ पे आप ज़रा सा बैक बटन दबा दो या इधर उधर कर दो, बहुत लंबा टाइम ले लो तो बहुत दिक्कत हो जाती है, फॉर्म अटक जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक बार में फॉर्म भर देना, बैक बटन का इस्तेमाल कम से कम करना और अगर आपके पास सुविधा है तो इसको लैपटॉप पर ही भरना, कोई बात नहीं। अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है, फ़ोन से ही कर रहे हो तो बैक बटन का इस्तेमाल कम से कम करना। ठीक है, और सावधानीपूर्वक सारी चीज़ें एक बार में भरने की कोशिश करना। ठीक है, इसके अलावा देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले वाला सेक्शन जिसमें आपको रेफरेंस नंबर और प्रोवाइडेड बाय पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन दिख रहा होगा, ये चीज़ें आपको पहले से भरी हुई मिलेंगी। ठीक है, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन है, इस वैसे ध्यान से देखा जाए तो इस फॉर्म को चार सेक्शन में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहला है रेफरेंस नंबर, उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद प्रीवियस इंस्टीट्यूशन की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद आपका कोर्स इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अपने पर्सनल रेफरेंस नंबर वाला सेक्शन देख लीजिए जो पहले से भरा मिलेगा। इसके बाद आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन देखना है, यहाँ पे आपको अपनी सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक भरनी है। आपके 12th और 10th के जो आपने मार्कशीट प्राप्त
किए हैं उनको ध्यान में रख के भरना, क्योंकि ये चीज़ें आपको बाद में, अगर आपका नाम, आपके पिताजी का नाम 12th और ग्रेजुएशन में अलग हो गया या 10th और ग्रेजुएशन में अलग हो गया, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है बाद में जाके। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को सामने रखना और उन चीज़ों को मिलान करके ही इसको भरना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नाम रहेगा जो आप एडिट कर सकते हो, शायद उसके बाद ईमेल रहेगा, अगर किसी ने ईमेल नहीं दिया तो उसको ईमेल भरने का मौका मिलेगा। यहाँ पे आधार कार्ड भरना, क्योंकि आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रकार के अगर आप स्कॉलरशिप में हिस्सा लेते हो या स्कॉलरशिप प्राप्त करना चाहते हो, जैसे कि NSP वगैरह होता है, तो आधार कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। उसकी वजह से आपको स्कॉलरशिप मिलना और आसान हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कन्फर्म मिल ही जाएगा, लेकिन उसकी वजह से आसानी हो जाती है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड ज़रूर यहाँ पर भर दें। उसके बाद आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर जितनी चीज़ें उन सबको भर लोगे, इतने समझदार तो आप हो ही, ठीक है। मेरा चैनल देखते देखते आप समझदार ज़रूर हो गए। और वैसे भी जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में भी फैलाओ ये सारी वीडियोज़, ठीक है। उसके बाद इससे पहले बीच में तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ। तुम अब TPS कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, जाहिर सी बात है तुम फॉर्म भर रहे हो, इसका मतलब तुम एडमिशन लेने जा रहे हो, या फिर तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका तुम एडमिशन फॉर्म भर रहे हो। अगर तुम खुद एडमिशन ले रहे हो या तुम्हारा कोई दोस्त भी है, तो उसे रेफर करो कि अगर TPS कॉलेज के बारे में वो डिटेल में जानना चाहता है कि कॉलेज कैसा है, यहाँ कैंपस कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है, माहौल कैसा है, सारी चीज़ें मैंने एक वीडियो में संक्षिप्त में बताने की कोशिश की है। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। साथ ही AN कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो इन तमाम तरह की वीडियोज़ आप देख सकते हो। और ऐसी वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए भविष्य में समय समय पर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। वापस लौटते हैं अपने फॉर्म के ऊपर, ठीक है। हमने पहला सेक्शन भर लिया जो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन का सेक्शन था, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन। सेकंड सेक्शन में हम आते हैं जहाँ पे आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूशन की डिटेल्स भरनी होती है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं भरनी है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको नाम यहाँ पे भर देना है प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का। ये नॉट एप्लीकेबल को आप इरेज करेंगे बैक बटन की वजह से, सॉरी बैक बटन नहीं, गलती हो गई, इसको आप इरेज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का नाम भरेंगे, साथ में उसके बाद आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में कोर्स कौन सा पढ़ा था। तो यहाँ पे आप ISC IA ये सब भर सकते हो, या फिर सीधे इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद ये जो प्रीवियस इंस्टीट्यूशन का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह, ये सब चीज़ें भरने की नहीं ज़रूरत है। अगर आप भर देते हो कोई दिक्कत नहीं भरते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो अब शुरू होता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपकी सारी चीज़ें मैच की जाती हैं। उसके बाद ये सेक्शन और इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको 3 सालों तक क्या पढ़ना है उसके बारे में आपसे डिटेल ली जाएंगे, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि तुमने अप्लाई किया था फिजिक्स ऑनर्स के लिए और तुमको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, तो तुमने मैथ ऑनर्स में एप्लीकेशन डाल दिया, वो भी रिजेक्ट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ करना जो तुमने अप्लाई करते वक्त टाइम में भरा था। सबसे पहले तो आपको एडमिशन टाइप में फ्रेश एडमिशन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको कोर्स सेलेक्टेड में BSc सेलेक्ट करना है। अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स से हो तो BA सेलेक्ट करना। TPS कॉलेज में बैचलर ऑफ कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती है, तो इसलिए वो आपको ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। साथ में उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है ईयर सेलेक्ट करना। ईयर सेलेक्ट करने में आप फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स जो है उसमें कुछ नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, अपने हिसाब से कुछ भरना है तो भर भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप फोटो, सिग्नेचर, CLC, मार्कशीट, माइग्रेशन, इन सभी चीज़ों को अपलोड करना है। अब मैं तुमको पहले बता देता हूँ यार, मैंने ये चीज़ें करके देख लिया और मेरा सिर दर्द हो गया था ये करते करते। कभी भी गलती से PDF फाइल अपलोड मत करना, क्योंकि वो फाइल स्वीकार नहीं होगी। 4 बार भरते जाओगे, परेशान होगे, फॉर्म बार बार कैंसिल होगा, फिर से भरो। उसके बाद क्या होता है ना कि TPS में अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के लिए आप जा रहे हो और फॉर्म गलती से कैंसिल हो गया या फिर फॉर्म रुक गया, तो आपका वो जो रेफरेंस नंबर है वो लॉक कर दिया जाता है। फिर आपको वहाँ कॉलेज जा करके उसको खुलवाना पड़ेगा दोबारा, फिर तब जाके आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। तो इन सभी झंझट से बचने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से देखो। ये 5-6 चीज़ें जो यहाँ पे आपसे मांगी गई, जैसे कि फोटो, सिग्नेचर, CLC, मार्कशीट, माइग्रेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों की फ़ोटो खींचो। फोटो खींच के आपको उसको कंप्रेस करना है। कंप्रेस करने के लिए एक वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। गूगल पे अवेलेबल है, और आप जाके आप अपने हिसाब से, अगर आप जानकार हो तो अपने हिसाब से भी वेबसाइट को किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल करके कंप्रेस कर सकते हो। वैसे मैं एक लिंक नीचे डाल दूंगा जहाँ आप अपनी फोटोज या फिर किसी भी प्रकार के PDF को कंप्रेस कर सकते हो। ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप फोटोज़ खींचो इन सभी डॉक्यूमेंट से, क्लियर फोटो खींचो और उसके बाद उनको कंप्रेस करो। इन फोटोज़ को आपको 50 KB से नीचे कंप्रेस करना है। यहाँ पे 50 KB की लिमिट है, लेकिन उससे नीचे ही कंप्रेस करके रखना, क्योंकि कंप्रेस करने के बाद चीज़ें जो होती हैं थोड़ा सा आगे पीछे बढ़ भी सकती है, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप उससे नीचे कंप्रेस करके रख लो और उसके बाद सारी चीज़ों को देख देख के अपलोड कर दो। यहाँ पे एक और पॉइंट और बता देता हूँ यार, जो जिन भी बच्चों का मोबाइल वगैरह या फिर डेस्कटॉप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन आता है कि आप फोटोज़ के नाम को एडिट कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे जब से आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा ना, तो उसके बाद आप यहाँ पे जैसे कोई फाइल अपलोड करते हो तो उस फाइल का नाम यानी एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाएगा, नो फाइल चूज़न के आसपास।
तो वो एड्रेस बड़ा अटपटा होता है 1234xyz ये वो उसके बाद .png, तो वो समझने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा। बाद में तुम फोटो अपलोड कर दोगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि ये फोटो है या नहीं। यहाँ तो खैर आपको फोटो दिखेगी या सिग्नेचर दिखेगा, लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में आपको कुछ नहीं दिखेगा, केवल यहाँ पे फाइल का नाम दिख रहा होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करना, हर फाइल का नेम बदल देना अपने सिस्टम में जा करके, तो उससे आपको आसानी होगी। और नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सावधानीपूर्वक इन सभी चीज़ों को अपलोड कर देना। ध्यान रखना 50 KB से नीचे रहेगा तो सुरक्षित रहोगे, दिक्कत नहीं होगी। इसको करने के बाद नीचे थोड़ा सा आना और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, मेक पेमेंट का। इसके ऊपर आपको आके क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते साथ आपको बैक बटन का, बिल्कुल यहाँ से बैक बटन को भूल जाओ, टाटा बाय कर दो। बैक बटन का गलती से भी प्रयोग मत करना, ठीक है। और इसके ऊपर आकर क्लिक करने के बाद इंतजार करना, थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग सकता है आपके डेटा कनेक्शन को देख करके, जो भी हो ब्रॉडबैंड डेटा जो भी कनेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपको बैक बटन का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, वरना लॉक हो जाएगा आपका TPS कॉलेज में ये नियम है, ठीक है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ओके, आपको एक नए वेब पेज भी रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसमें ध्यान रखना कि पेमेंट करने के बाद आपको रिसिप्ट जो डाउनलोड करनी है वो कैसे करनी है दिखा देता हूँ। अब पेमेंट हो जाने के बाद थोड़ा इंतज़ार करना, आपको जो आपका होम पेज था उसी पेज पे आपको एक नया पूरा फॉर्म खुल के मिलेगा, पूरा फॉर्म नहीं पूरा PDF पेज खुल के मिलेगा, जहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस कंप्लीट होने का नोटिफिकेशन होगा। अब यहाँ पे आपका पेड दिखा रहा होगा, ये थोड़ा सा मैंने लग गया है सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे आपका पेड दिखा रहा होगा, समझ रहे हो। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा प्रिंट का, इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपका ये फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। यही फॉर्म आपको ले जाना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में भी, ठीक है। और इस फॉर्म के साथ जैसे आप इस फॉर्म को कॉलेज में जमा करोगे, इसके साथ बहुत सारे कागजात और जमा करने हैं, जिसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है कि आपको कौन कौन से कागज लेके जाने हैं, TPS कॉलेज में कब जाना है। उस वीडियो में मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है कौन कौन से फॉर्म लेके जाने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कब जाना है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। जब डॉक्यूमेंट आप जमा कर देंगे तो आपको वहाँ पे एक पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी कि आपने पेमेंट किया था, उसका ये रिसिप्ट है। तो इस प्रकार से पूरा फॉलो होता है TPS कॉलेज के अंदर एडमिशन का प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपने हिसाब से लाइक डिसलाइक कर लेना, कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, अपने विचार प्रकट करके जरूर जाना। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।